हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर 8, फायर, फ्रेंड एंड फो। आज अपन कक्षा 7 का जो चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक जो है हनीकॉम, उसका चैप्टर नंबर 8 है, जिसका कि टाइटल है फायर यानी कि आग। अब आग को दोनों रूपों में बताया गया है यहाँ, क्योंकि फायर जो है वो किस रूप में हो सकती है, फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, एंड फो, फो का मतलब होता है एनिमी, शत्रु। तो दोनों ही तरीक़ों से जो है आग क्या है, दोनों ही है, फ्रेंड्स भी है और फो भी है। तो बिफोर वी रीड, पहले देख लेते हैं, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या दिया है, फायर इज़ बहुत यूजफुल एंड डेंजरस। अब देखो, आग दोनों ही है, यूजफुल भी है यानी उपयोगी भी है, और डेंजरस यानी खतरनाक भी है। What is fire? अब फायर क्या है, आग क्या है, How did we discover it? हमने इसको कैसे खोजा, ये आग की का आविष्कार कैसे हुआ, आग कैसे खोजी, How do we control it? हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो what is fire? आग क्या है, तो आग क्या है, heat, energy। उसके बाद हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हमने इसको कैसे खोजा, तो ऐसा कहा जाता है कि भी आदि मानव जब गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, उस समय जब आग की आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो जंगली जीवन व्यतीत करता था और जानवरों को जो है शिकार करके उनको मार के उनको खाता था। तो एक दिन कोई ऐसा ही आदि मानव जो है किसी शिकारी का पीछा कर रहा था, और उस समय जो है पाषाण काल था, यानी कि पत्थरों के औजार और सारी चीज़ें पत्थरों की होती थी। तो वो उसमें पत्थर का औजार लेके जो है उसके पीछे दौड़ रहा था, और फिर उसने उस औजार से वार किया उसके ऊपर, और वहाँ आगे एक और पत्थर था, और पत्थर से पत्थर टकराया तो उसके अंदर से चिंगारी उत्पन्न हुई, और वहाँ पास में कोई घास फूस वगैरह था वो जल गया, और वो जो है जो शिकार था वो शिकार भी उसको क्या है कि उस प्रहार के कारण मर गया, और वो भी उस आग में जलकर पक गया। अब जब उस आदि मानव ने उसको खाया तो उसको बड़ा टेस्टी लगा, पका हुआ मांस जो है उसको बहुत अच्छा लगा, आज तक तो वो कच्चा ही खा रहा था। अब उसने आग को प्रिजर्व करके रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार से आदि मानव ने आग का खोज किया। अब हाउ डू वी कंट्रोल इट, हम आग को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो इन सारे इश्यूज के ऊपर अपन जो है इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि आग क्या है, किस तरह से तो वो मित्र है और किस तरीके से वो शत्रु है, दोनों है तो किस रूप में है और कैसे है, इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, चैप्टर को शुरू करते हैं। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, अब ये कह रहा है आदि मानव, पहले के जो आदमी थे उनको नहीं पता था कि आग क्या है, फायर के बारे में वो नहीं जानते थे। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज, लेकिन वो इस बारे में अवेयर थे, इस बारे में जानते थे कि भी आग कितना डैमेज, कितना नुकसान पहुंचा सकती थी, उसके कारणों का उनको पता था। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर, क्योंकि उससे पहले उसने आसमान में बिजली कड़कती हुई और वॉल्केनोज जो है वो ज्वालामुखी जो है वो उसने देखी थी। उसने अपने जीवन में आग का आविष्कार या आग के उपयोग करने से पहले, फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस, अब आग क्या थी, आग जो है ताकतवर थी, शक्तिशाली और खतरनाक थी, एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और आदि मानव जो है वो इससे घबराया हुआ था। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नो नाउ That fire is the result of a chemical reaction. अब फायर में है वो पजल्ड, यानी आग ने जो है पहले आदि मानव जो था उसको पजल किया है, उसको परेशान किया है। But we now know, लेकिन अब हम लोग जानते हैं that fire is the result of केमिकल रिएक्शन। अभी हम क्या जानते हैं, अभी आग के बारे में हमें क्या पता है कि आग क्या है, केमिकल रिएक्शन है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. अब देखो क्या क्या चीज़ें होती है, When the oxygen in the air, एयर के अंदर हवा में ऑक्सीजन होती है, combines with carbon and hydrogen, उस वो जब हाइड्रोजन और कार्बन में मिल जाती है, हवा के अंदर जो एयर है वो कार्बन और हाइड्रोजन में मिल जाती है इन ए फ्यूल, और जब ये एक फ्यूल एक ईंधन में रूप मिल जाते हैं, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो उस समय एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक रासायनिक क्रिया होती है,
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में एनर्जी यानी ऊर्जा जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो कि एक हीट के रूप में, गर्मी के रूप में, एंड लाइट और प्रकाश के रूप में रिलीज होती है, निकलती है इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में भी जब एनवायरमेंट में जो हवा है जिसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ईंधन मिल जाता है, तो ये केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऊर्जा जो है वो गर्मी और प्रकाश के रूप में निकलती है। दिस इज वॉट वी कॉल फायर, और इसी को हम क्या कहते हैं, फायर कहते हैं, आग कहते हैं। थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। अब देखो, अगर आपको आग जलानी है तो उसके लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब तीन में से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो वहां आग नहीं जल सकती। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, देखो सबसे पहले फ्यूल, फ्यूल का मतलब है ईंधन। आग को लगाने के लिए सबसे पहले ईंधन की जरूरत होती है। सेकंड चीज है ऑक्सीजन, और थर्ड है हीट, हीट का मतलब गर्मी। भी देखो, ईंधन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, और गर्मी, तीनों चीजें होगी तभी जो है आग जल पाएगी। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। अब देखो, फ्यूल ईंधन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। ईंधन का मतलब सिर्फ लकड़ी या काउडंग नहीं होता, बल्कि वुड यानी कि लकड़ी, कोल, कोयला, कुकिंग गैस, हम जो खाना बनाने की जो गैस है LPG, एंड पेट्रोल। और पेट्रोल जो है ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, फ्यूल के, यानी कि ये सारी चीजें जो है ईंधन के एग्जाम्पल्स है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। अब ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ऑक्सीजन आती है एयर से यानी कि हवा से। दैट इज वाई वैन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, और इसीलिए ऐसा होता है कि जब आप जो है स्मोल्डरिंग पेपर यानी कि जो बिना लपटों के जलने वाला जो कागज है, इट ऑफन ब्रस्ट इन टू फ्लेम, वो अक्सर जो है क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, फैल फूट जाता है, फ्लेम में ज्वाला के रूप में फटता है, यही उसका रीजन है। द थर्ड थिंग नीडेड। अब देखो, तीसरी चीज क्या चाहिए, पहली चीज तो क्या चाहिए, देखो फ्यूल, दूसरी चीज क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है, हवा में, वातावरण में। तीसरी चीज क्या चाहिए, देखो, द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। तीसरी चीज जो है वो चाहिए, वो होती है हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व। अब देखो, फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों मिलकर आग नहीं लगा सकते, और एल्स अ न्यूज़पेपर और ए स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इटसेल्फ। अगर ऐसा होता तो धूप में रखा हुआ न्यूज़पेपर यानी कि बाहर हवा में रखा हुआ न्यूज़पेपर और हवा में रखी हुई लकड़ियां अपने आग पकड़ लेती। भाई अगर ऑक्सीजन से और सिर्फ ईंधन से ही आग लगती तो ईंधन जो खुला हवा में पड़ा है वो सारा जल जाता, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हीट की भी जरूरत होती है। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड। अब देखो, टू बर्न यानी जलाने के लिए, ए पीस ऑफ पेपर, चाहे वो कागज का टुकड़ा है और वुड या फिर लकड़ी का टुकड़ा है, उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर। वी हीट यानी हम उसको गर्म करते हैं, बिफोर इट कैचेज फायर, वो आग पकड़ने से पहले। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच, और हम इससे क्या करते हैं, अक्सर हम किससे करते हैं, ये माचिस की जो तीली है, सबसे पहले तीली जलाते हैं और तीली को कुछ देर तक वहां रखते हैं, तो वो जो फ्यूल है वो भी क्या होता है, गर्म होता है, ईंधन जो है गर्म होता है, वहां हीट होती है, गर्मी होती है, और उसी के कारण वो आग पकड़ता है। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगेन्स टू बर्न। अब वगैरह हर ईंधन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक तापमान होता है, जहां की उस तापमान पर पहुंचकर वो क्या करता है, जलना शुरू होता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, और इसी टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, फ्लैश पॉइंट, और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, फ्यूल का फ्लैश पॉइंट या फ्यूल का किंडलिंग टेम्परेचर। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले, भाई व्हाट इज फ्लैश पॉइंट, तो फ्लैश पॉइंट क्या है, फ्लैश पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्टेड टू फायर, जहां भी जो है फ्यूल का पर्टिकुलर टेम्परेचर, जहां की वो बर्न होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है, वहां उसको अपन कहेंगे फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर। इट इज समटाइम्स सेड दैट
दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। अब ये कह रहा है अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भाई आग जो है, आग क्या है, फायर इज ए गुड सर्वेंट, आग एक अच्छा सेवक है, बट ए बैड मास्टर, लेकिन मास्टर बहुत बुरा है। मालिक के रूप में अगर वो है तो बहुत ही खतरनाक है, और एक अगर सेवक के रूप में है तो वो बहुत ही अच्छा है। इट मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। इस पंक्ति का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आग बहुत उपयोगी होती है, कब तक? जब तक कि उसको नियंत्रण में रखा जाए। अगर आग नियंत्रण में है तो वो आग बहुत ज़्यादा अच्छी है। फॉर इंस्टेंस, अब अगर उदाहरण के लिए, वी यूज इट टू कुक आवर फूड। हम आग का प्रयोग कहाँ करते हैं? भोजन को पकाने के लिए। वार्म आवर होम्स इन विंटर, गर्मियों में अपने घरों को गर्म रखने, सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आग जो है नियंत्रण से बाहर हो जाए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल हजारों की संख्या में घर और दुकानें फायर के कारण, आग के कारण डैमेज्ड हो जाती है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। अभी कह रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में जब जंगल में आग लगती है, पहले जो ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी आप सबने देखा होगा, तो जब जंगल में आग लगती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड होती, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और हजारों सैकड़ों लोगों को और जानवरों को नुकसान पहुँचाती है, उनको मार देती है। Just as three things are needed to start a fire, अभी कह रहा ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि तीन चीजों की जरूरत होती है आग को जलाने के लिए, there are three main ways in which a fire can be put out, उसी प्रकार से तीन ऐसे रास्ते हैं, तीन ऐसे तरीके हैं जान से कि आग को बुझाया भी जा सकता है। जिस प्रकार से आग को जलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी तीन चीजें? कौन सी? एक तो फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा हीट। उसी प्रकार से आग को बुझाने के लिए भी तीन तरीके हैं आपके पास, तीन तरीके से आग को बुझा सकते हो। इन ईच, प्रत्येक में, वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, तीनों में से कोई भी एक चीज जो है जलती हुई है, जल रही है, उसको हटा दो। अगर आपको आग बुझानी है तो जो तीन चीजें हैं तीनों में से किसी एक को हटा दो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, देखो उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम फ्यूल को हटा सकते हैं, ईंधन को दूर कर सकते हैं। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अब ये कह रहा है आग के पास जलने के लिए ईंधन ही नहीं होगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी, वो नहीं जल पाएगी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। हम अक्सर घरों में क्या करते हैं, आग जो है बुझाने के लिए उसमें ईंधन डालना बंद कर देते हैं, और जैसे ईंधन डालना बंद करते हैं उस चूल्हे के अंदर जो ईंधन जल रहा है वो समाप्त होते ही आग भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, बुझ जाती है। दूसरा तरीका क्या है? देखो, द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। दूसरा तरीका ये है कि पुटिंग आउट द फायर यानी आग को बुझाने का, इज टू प्रिवेंट यानी हटाना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को फ्रॉम रीचिंग इट। जो ऑक्सीजन पहुंच रही है उस ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक दो तो भी आग नहीं जलेगी। अगर आपके घर में कोई, आज इसका प्रयोग भी कर सकते हो, घर में मोमबत्ती जला देना और मोमबत्ती जलाकर उसके ऊपर उल्टी ग्लास रख देना, जब उसमें किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं जाएगी, थोड़ी देर बाद आप ग्लास हटाओगे तो नीचे मोमबत्ती जो है वो बुझ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिली। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अभी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं होगी तो इसका मतलब उसको आग नहीं मिलेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट
और स्मदर्ड विद डैम्प ब्लैंकेट और सेक। अभी अगर छोटी आग जो है उसको बुझाया जा सकता है डैम्प ब्लैंकेट यानी भीगी हुई कंबल से या एक बोरे से। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग इन द बर्निंग मेटेरियल। अब इससे क्या होगा, जो भीगी हुई कंबल है या भीगा हुआ जो बोरा है उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। जो जल रहा है मेटेरियल उस तक जो ऑक्सीजन पहुंच रही थी उस ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। और कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है एक्सटिंग्विश फायर यानी आग को बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। और ये क्या काम करती है, ये ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देती जलते हुए जो मटेरियल है, जो चीजें जल रही है उस जलती हुई चीज के पास ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देती। कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक घेरा बना लेती है जिसको कि पार नहीं कर सकती ऑक्सीजन, और इसलिए उसका जलना बंद हो जाता है। तो पहला तरीका क्या था कि भाई उसमें से ईंधन हटा दो। दूसरा तरीका क्या था, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दो। अब देखो तीसरा तरीका क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट। अब तीसरा तरीका ये है आग को बुझाने का कि रिमूव का मतलब हटा देना, द हीट यानी कि उसकी गर्मी, जो गर्मी है उस गर्मी को हटा देना। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर उसका टेम्परेचर यानी कि उसका तापमान जो है वो नीचे आ जाएगा किससे, फ्लैश पॉइंट से, जो भी उसका बर्निंग पॉइंट था फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर जो था वो टेम्परेचर जब फ्लैश पॉइंट से या किंडलिंग टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो क्या होगा, जो ईंधन जल रहा था वो जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट। आप क्या करते हो, कोई भी एक माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती जल रही है तो उसको आप फूंक मार कर बुझा सकते हो। फूंक मारने से क्या होता है, जो जल रही है उसके चारों ओर जो उष्मा है, जो गर्मी का जो घेरा है, वो हवा के झोंके से गर्मी का घेरा वहां से हट जाता है और वो बुझ जाती है, यानी कि जो फ्लैश पॉइंट है उससे कम का टेम्परेचर हो जाता है और वो अपने आप आग बुझ जाती है। इन डूइंग सो, ऐसा करने में यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम। इससे आप क्या कर सकते हो, जो हॉट एयर है जो गर्म हवा है उस फ्लेम के उस ज्वाला के आसपास वो हट जाती है, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, जिससे कि इसका टेम्परेचर जो है वो नीचे हो जाता है बिलो द फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट से नीचे, एंड द कैंडल गोज आउट और मोमबत्ती बुझ जाती है। Sometimes water is sprayed on a fire. कभी कभार जो है क्या करता है, किया जाता है वाटर स्प्रे किया जाता है यानी कि पानी को जो है छिड़काव किया जाता है आग के ऊपर। It absorbs heat from the burning fuel. और ये पानी क्या करता है, absorb यानी सोख लेता है heat को, किसको, heat को, गर्मी को सोख लेता है from the burning fuel, जलते हुए ईंधन से, and lowers the temperature. और ये भी temperature को कम कर देता है, and the ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और पानी की एक परत जो है वो जब परत का काम करने लग जाती है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को भी रोक देती है, एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और इस प्रकार से आग बुझ जाती है। तो आज के टॉपिक में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज अपन ने देखा कि भाई आग क्या होती है, तो आग क्या है, केमिकल रिएक्शन है, आग का आविष्कार कैसे हुआ, आदिमानव ने आग का आविष्कार किया। इसके बाद आग के लिए तीन चीजें जरूरी है आग जलाने के लिए, क्या क्या, नंबर वन क्या था, फ्यूल, नंबर टू ऑक्सीजन, नंबर थ्री हीट। ये तीनों चीजें होगी तो ही आग जल पाएगी। कई बार जो है जब बारिश का मौसम होता है तो अपन आग जलाने का प्रयास करते हैं तो वो काफी मशक्कत करनी पड़ती है उसको जलाने में, क्योंकि उसमें जो फ्यूल है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है और उस टेम्परेचर को, हीट को एक फ्लैश पॉइंट तक लाने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है। इसलिए कई बार हम उसमें तीली को जो है जला के रखते हैं और जैसे ही वो फ्लैश पॉइंट के ऊपर आता है तब वो जलना शुरू होता है। तो जिस प्रकार से आग को जलाया जा सकता है उसी प्रकार से आग को बुझाया भी
जा सकता है। तीनों में से किसी एक चीज को हटा दो, आग अपने आप बुझ जाएगी। अब कैसे और किस प्रकार से हटा सकते हो, इसके बारे में अपन ने इस चैप्टर में चर्चा की। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगला नेक्स्ट कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।